भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर थाना खुर्जा देहात पुलिस ने होली को लेकर शांति समिति की बैठक की। थाना खुर्जा देहात पुलिस ने क्षेत्र के सभी गांव के प्रधानों सहित दोनों समुदाय के लोगों को समिति में शामिल किया। क्षेत्र अधिकारी संग्राम सिंह ने कहा कि होली के त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाएं, त्योहार के दौरान किसी भी तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। वहीं कहा कि अफवाह फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं क्षेत्र अधिकारी संग्राम सिंह ने कहा कि किसी भी तरह की अवैध शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना खुर्जा देहात में एक मीटिंग रखी गई है, प्रधानों की क्या उद्देश्य? देखिए, थाना खुर्जा देहात में आगामी त्यौहार होली और शबे बारात के अंतर्गत यहाँ पे एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी ग्राम चौकीदार, प्रधान और जो वहाँ के मौजूद लोग थे उनको बुलाया गया। सभी को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि होली और शबे बारात में आप लोग पूरे मनोयोग से अच्छे से त्यौहार मनाएं और कहीं भी जो परंपरागत चीज़ें हैं उसको आप अपना फॉलो करें। कोई नई चीज़ आती है तो उसको शासन के संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ हिदायत भी दी गई है कि यदि कहीं भी कोई भी शराब बेच रहा होगा या नकली शराब बेच रहा होगा, ठेके से बाहर होगा, तो उसकी सूचना हमें दें, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और यदि कोई बात है, विवाद है, तो आपस में झगड़ा न करें, इसकी सूचना तत्काल थाने को दें, हमें दें, ताकि सौहार्दपूर्वक माहौल के अंतर्गत होली को समापन। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।